इमरान अपने साथियों समेत ब्लैक हार्ट क्लब के स्पेशल ऑफिस से बाहर आया तो उसके चेहरे पर पुरअसरार सी मुस्कुराहट तैर रही थी, जबकि उसके साथियों के चेहरों पर बेजारी और उकताहट के तासुरात नुमाया थे। ये सब आखिर क्या हो रहा है? क्या हम यहाँ मजाक करने आए हैं या मिशन मुकम्मल करने? जूलिया ने इंतहाई उसीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। इमरान साहब, वाकई मेरी समझ में आपका रवैया नहीं आ रहा। डैनी जिस अंदाज में बढ़ चढ़ कर बातें कर रही थी, यूं लगता था जैसे वो हमें अपने मुकाबले में हकीर समझती हो। सफदर ने भी उसीले लहजे में कहा। उसे शौक है अपनी और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की बेइज्जती कराने का। अगर चीफ का मसला दरमियान में ना होता तो मैं सबसे पहले उसे गोली मारता और फिर इस डैनी और उसके साथियों को, तनवीर ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। लेकिन इमरान ने किसी की बात का कोई जवाब न दिया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक हाल में से गुजरते हुए एक नौजवान बिजली की सी तेजी से उसके करीब आया और उसने एक कार्ड इमरान के हाथ में दिया और तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। इमरान ने चौंक कर कार्ड की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसे जेब में डाल दिया। ये क्या दे गया है? सफदर ने कहा। कार्ड, इमरान ने मुख्तसर से जवाब दिया और फिर वो होटल से बाहर आ गए। अब कहाँ जाना है, क्या वापस चलें? सफदर ने कहा। हाँ, क्योंकि मुझे डैनी की बातों पर यकीन आ गया है कि डॉक्टर सज्जाद बगैर कुछ बताए हलाक हो गया है, इसलिए अब मजीद काम करने की ज़रूरत नहीं रही। मिशन ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं चीफ से बात करके वापसी का प्रोग्राम बनाऊंगा। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा तो उसके साथियों के चेहरों पर हैरत के साथ साथ इंतहाई उलझन के तासुरात उभर आए थे। लेकिन मुझे इस डैनी पर 1% भी यकीन नहीं आया, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। इसीलिए तो मैं चीफ को फोन करने की बात कर रहा हूँ। अगर चीफ ने तुम्हारी तरह बात की तो फिर मैं वापस चला जाऊंगा और यहाँ मिशन मुकम्मल करते रहना, इमरान ने कहा। और इस दौरान वो पार्किंग में पहुंच गए जहाँ उनकी दो कारें मौजूद थीं। इमरान साहब, वो कार्ड क्या था? सफदर ने कहा। क्लबों वाले ऐसे कार्ड आने जाने वालों को देते ही रहते हैं ताकि गाहक फंसा कर सकें, इमरान ने मुंह बनाते हुए सरी से लहजे में कहा तो सफदर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों कारें ब्लैक हार्ट क्लब से निकलकर वापस मकर्स कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थीं। पहली कार की ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि जूलिया साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। अगली सीट पर सफदर मौजूद था, जबकि दूसरी पर कार की ड्राइविंग सीट पर तनवीर था और साइड सीट पर कैप्टन शकील मौजूद था। सिवाय इमरान के बाकी सब के चेहरे सोते हुए थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो दिल ही दिल में बेचौताब खा रहे हों, लेकिन मुंह से कुछ बोल ना पा रहे हों, जबकि इमरान इंतहाई मुतमईन अंदाज में बैठा हुआ था। अरे क्या हुआ है तुम्हें? तुम सब इस तरह बैठे हो जैसे किसी की मर्ग पर फातिहा खानी करने जा रहे हो, इमरान ने यकलख मुस्कुराते हुए कहा। खामोश बैठो, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, जूलिया ने यकलख्त फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। अरे अरे, इतना गुस्सा? बुजुर्ग दोस्त दुरुस्त कहते हैं कि खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा होती है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, इस बार आप बहुत गहरी चाल चल रहे हैं और हमें अफसोस इस बात पर है कि आपने हमें इस काबिल ही नहीं समझा कि कुछ बता दें, अगली सीट पर मौजूद सफदर ने कहा। आखिर तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा कि डैनी दुरुस्त कह रही है? उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? और फिर तुम्हें मालूम है कि मुझे सच और झूठ में तमीज़ आती है, इसलिए मैंने देख लिया है कि वो सच बोल रही थी, इमरान ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा, अब और क्या कहा जा सकता है, सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद वो मार्केट्स कॉलोनी में अपनी रहइशगाह पर पहुंच गए। इमरान ने वहां पहुंचकर जेब से वो कार्ड निकाला जिसे उसने एक नज़र देखकर जेब में डाला था। अब उसने उसे गौर से देखा और फिर उसने उसे दोबारा जेब में डाल दिया। तुम लोगों को चूंकि यकीन नहीं आ रहा और तुम बहरहाल मेरे साथी हो और तुम्हें यकीन दिलाना भी मेरे फ़राइज़ में शामिल है, इसलिए अब आखिरी सूरत ये रह गई है कि इस लेबार्ट्री के साइंसदान से असल हालात मालूम किए जाएँ। और चूँकि मुझे यहाँ आने से पहले इतला मिल चुकी है कि लेबॉर्ट्री में काम करने वाला डॉक्टर विल्मोर्ट इतवार को अपनी दोस्त वीरा से मिलने आता रहता है और आज इतवार है, उसे वो यकीनन अपनी दोस्त के फ्लैट में मौजूद होगा, इसलिए उससे तफसीली बात हो सकती है। आओ, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। ऐसी बात थी तो तुम क्लब से सीधे वहाँ चले जाते, यहाँ आने और फिर यहाँ से वहाँ जाने का क्या तुक बनता है, जूलिया ने उठते हुए कहा। रास्ते में तुम लोगों के चेहरे देखकर मैंने फैसला किया है, वरना मैं तो अब भी अपनी बात पर कायम हूँ कि मिशन खत्म हो गया है, हमने वापस जाना है। इमरान ने कहा। क्या ये जरूरी है इमरान साहब कि हम सब वहां जाएं? आप मिस जोलिया को साथ ले जाएं, ये मुतमैन हो जाएंगी तो फिर हम भी मुतमैन हो जाएंगे। साले ने कहा। ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद वो जोलिया के साथ कार में बैठकर एक बार फिर जार्जिया की सड़कों पर रवान रवां थे। क्या वाकई तुम दुरुस्त कह रहे हो कि मिशन खत्म हो गया है, जोलिया ने कहा। हाँ, बहरहाल डॉक्टर विलमोट से बात होने पर हतमी फैसला होगा, इमरान ने कहा। तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इमरान ने कार एक रहायशी प्लाजा की पार्किंग में ले जाकर रोक दी। आओ, इमरान ने नीचे उतरते हुए कहा। तो जोलिया सर हिलाती हुई नीचे उतर आई। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक फ्लैट के बंद दरवाजे के सामने मौजूद थे। दरवाजे के साथ प्लेट पर वीरा का नाम लिखा हुआ था। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? डोर फोन से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ डॉक्टर विलमोट साहब होंगे, हमने उनसे मिलना है। हम पाकिस्तानी हैं, मेरा नाम अली इमरान है, मेरी साथी है मिस जुलियाना फिटरवाटर, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही कटक की आवाज सुनाई दी और डोर फोन बंद हो गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और इमरान आगे बढ़ा। दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था जिसके चेहरे पर नजर का चश्मा मौजूद था और अपने चेहरे मोरे से वो साइंसदान ही दिखाई दे रहा था। उसके पीछे एक नौजवान लड़की मौजूद थी, लेकिन इन दोनों के जिस्मों पर मुकम्मल लिबास थे। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो उसके पीछे जोरिया भी अंदर दाखिल हो गई। मेरा नाम अली इमरान है और ये मेरी साथी हैं मिस जुलियाना फिटरवाटर, इमरान ने डॉक्टर विलमोट से मुसाफा करते हुए कहा। मेरा नाम डॉक्टर विलमोट है और ये मेरी दोस्त है मिस वीरा, फ्लैट इनका ही है, डॉक्टर विलमोट ने कहा। और फिर वो चारों एक कमरे में जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। इमरान ने देखा कि अंदर जाते हुए डॉक्टर विलमोट ने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और इस अंदाज में हाथ को हरकत दी जैसे वो जेब के अंदर मौजूद किसी बटन को खसूसी तौर पर प्रेस कर रहा हो। आप पाकिस्तानी हैं जबकि आपकी साथी स्विस निजात हैं, डॉक्टर विलमोट ने कहा। हम बैनुल अक्वामी दोस्ती के कायल हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। जी फरमाइए, आप कैसे यहाँ आए हैं और आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं, डॉक्टर विलमोट ने कहा। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि हम आपको इस अंदाज में डिस्टर्ब करने पर माजरत खा हैं। असल में हमने वापस जाना है। हमारा ताल्लुक पाकिस्तानी हुकूमत से है। पाकिस्तानी निजात एक साइंसदान डॉक्टर सज्जाद को अगवा करके यहाँ जार्जिया लाया गया और उसे एक लेबॉर्ट्री में ले जाया गया। उस लेबॉर्ट्री को एक्स लेबॉर्ट्री कहा जाता है। डॉक्टर सज्जाद सोलर एनर्जी पर काम करता था और उसने सोलर एनर्जी की माइक्रोचिप को ईजाद करने पर खासा काम किया था और वो उसका बुनियादी फार्मूला बनाने में कामयाब हो गया था। और आप चौंके साइंसदान हैं, इसलिए आपको बखूबी मालूम है कि सोलर एनर्जी की माइक्रोचिप अगर वाकई बन जाए तो ये ऐसी इनकलाबी ईजाद होगी जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देगी। इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि इस ईजाद का सेहरा पाकिस्तान के सर रहे, लेकिन डॉक्टर सज्जाद को अगवा कर दिया गया। फिर ये इतला मिली कि डॉक्टर सज्जाद से यहाँ मशीनरी के जरिए कुछ करने और फार्मूला हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके जहन में कोई ऐसी बीमारी थी कि उसका ब्रेन हेमरेज हो गया और वो हलाक हो गया। वो इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान को काफ़ी शवाहिद मिल गए, लेकिन उसके बावजूद हतमी मालूमात हासिल करने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई गई और मैं अपने साथियों समेत यहाँ आ गया। मैंने अपने तौर पर एक्स लेबॉर्ट्री में काम करने वाले किसी साइंसदान का सुराग लगाया तो मुझे आपके बारे में मालूम हुआ कि आप वहाँ काम करते हैं और आप हर संडे अपनी दोस्त मिस वीरा के फ्लैट पर आते हैं। इस तरह हम यहाँ आए हैं। आप बेशक हमसे मुआवजा ले लें, लेकिन हमें दुरुस्त मालूमात मुहैया कर दें। वैसे एक बात मैं बता दूं कि अगर बाद में आपकी दी हुई मालूमात गलत निकली तो मामलात आपके लिए खासे सख्त हो जाएंगे। वैसे हमने आपसे कुछ नहीं कहना, सिर्फ दुरुस्त मालूमात हासिल करनी है, उसका हम आपको मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। आप कितना मुआवजा दे सकते हैं, डॉक्टर विलमोट ने संजीदा लहजे में कहा। जो आप मुनासिब समझें तलब कर लें, इमरान ने जवाब दिया। $1,00,000 दे दें, मैं आपको दुरुस्त मालूमात मुहैया कर देता हूँ, डॉक्टर विलमोट ने कहा। तो इमरान ने खामोशी से कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर एक चेक बुक निकाली। उसमें से एक चेक अलहदा करके उस पर मखसूस दस्तखत किए और चेक डॉक्टर विलमोट की तरफ बढ़ा दिया। ये गारंटेड चेक है, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर विलमोट उसे गौर से देखा और उसके साथ ही उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात फैलते चले गए। उसने चेक तय करके अपनी जेब में डाल दिया। ये 100% दुरुस्त है इमरान साहब के डॉक्टर सज्जाद बगैर कुछ बताए हलाक हो गया है। मैं इस टीम में खुद शामिल था जिस टीम ने उसे पूछ-पूछ की थी, डॉक्टर विलमोट ने कहा और फिर उसे पूरी तफसील बता दी। इमरान ने उसे कई सवाल किए जिनके जवाब डॉक्टर विलमोट ने बड़े एतमाद भरे लहजे में दिए। ओके, अब मेरी मुकम्मल तसल्ली हो गई है कि इतला दुरुस्त है, अब हमें इजाज़त दीजिए, इमरान ने उठते हुए कहा। तो जूलिया, डॉक्टर विलमोट और उसकी दोस्त लड़की वीरा भी उठ खड़ी हुई और फिर इमरान और जूलिया फ्लैट से बाहर आ गए। अब क्या ख्याल है तुम्हारा, इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। वो दोनों कार में सवार होकर पार्किंग से बाहर आ रहे थे। अब मुझे भी यकीन आ गया है कि मिशन खत्म हो गया है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है तुम्हें यकीन आ गया, इमरान ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर जूलिया ने साथियों को मुकम्मल तफसीलात बता दी और फिर जूलिया के साथ साथ बाकी सबके चेहरों पर भी इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। इंक्वायरी प्लीज, राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ से बरआज़म एशिया के मुल्क पाक एशिया और उसके दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर दे दें, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद लम्हों बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। नंबर नोट करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर दोनों नंबर बता दिए गए। शुक्रिया, इमरान ने कहा और क्रेडल दबा दिया और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एक्सटो, राब्ता कायम होते ही चीफ की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ जनाब, जॉर्जिया से, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने डैनी से होने वाली मुलाकात और उसकी तफसील और फिर जूलिया के साथ डॉक्टर विलमोट से होने वाली मुलाकात और उसकी तफसील बता दी। चीफ, मुझे 100% यकीन है कि डॉक्टर सज्जाद बगैर कुछ बताए हलाक हो चुका है, इसलिए अब वो फार्मूला उसके साथ कब्र में चला गया है, इमरान ने कहा। ठीक है, फिर वापस आ जाओ, दूसरी तरफ से मुख्तसर लफ्जों में कहा गया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि इस बार आपको चेक नहीं मिलेगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्यों, इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए चेक कैसा, सफदर ने जवाब दिया। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं की थी, वरना मैं इस लेबोरेटरी में घुसकर ही वापस जाता, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। हमें दरअसल यकीन ही ना आ रहा था कि ऐसा मुमकिन है, बहरहाल अब क्या हो सकता है, अब तो आपने चीफ से बात कर ली है, सफदर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे लुत्फ ले रहा हो। और इमरान का चेहरा उस बुरी तरह लटक गया जैसे वाकई उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। मरो नहीं, तुम मुझसे ले लेना, जूलिया ने कहा। मम मगर वो क्या कहते हैं कि मर्द होकर औरतों का खाता है, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का अख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।